वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। राह प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग की गई है। बता दें, विद्युत बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और समाप्त किए जाए गए अभ्यंतियों के 51 पदों को जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने 81 आउटसोर्सर्स ड्राइवरों को फिर से काम पर रखने की भी मांग की है। पिछले दिनों सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें अभियंताओं की 51 पोस्टें जो खत्म कर दी गई हैं और साथ ही आउटसोर्स के जो 81 ड्राइवर्स हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय कदम है। हमारी हम सभी की सरकार से ये मांग रहेगी कि ऐसे कोई भी फैसले ना ले जिससे कि कर्मचारियों के हित प्रभावित हों और साथ ही जो फैसले लिए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए।